नमस्कार सारे प्रशिक्षुगण, आप लोगों को गुड मॉर्निंग। और ये सेशन आपका मैथ का होता है, जिसमें हम लोग आज देखेंगे नया चैप्टर प्रॉफिट एंड लॉस। दोस्तों जिसमें ये 56 नंबर का, अगर बोले टोटल मैथ का क्लास आपका कितना हो गया, तो 56वें नंबर का क्लास होगा मैथ का। और एक चीज़, जितनी वीडियो पिछली वीडियो हैं उससे हम बता देते हैं दोस्तों, उससे एक भी प्रश्न, एक भी कॉन्सेप्ट बाहर नहीं जाने वाला है। इन सारे एग्जाम में, यूपी टेट हो, सी टेट हो, सुपर टेट हो, यूपी पी एस सी, पीईटी तक, एक भी क्वेश्चन, सिंगल एक भी टॉपिक्स उससे बाहर नहीं आएंगे। या आप जब पेपर दे कर आओगे तब बोलोगे, अभी नहीं बोलोगे। तो आप लोग सारे वीडियो को फॉलो करिए। और हम लोग थोड़ा सा अग्रसर हो रहे हैं आगे की तरफ। आज हम लोग का नया चैप्टर है, हमने सोचा था घड़ी ले लें या फिर कैलेंडर ले लें, लेकिन हमको लगा कि पहले प्रॉफिट एंड लॉस छोटा सा टॉपिक है, क्योंकि हमने परसेंटेज पढ़ा। इसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस पे पहले आपको बताएंगे हम लोग, बिल्कुल कॉन्सेप्ट से पढ़ेंगे हम लोग। कॉन्सेप्ट से पढ़ने के बाद जो फार्मूला होगा, फार्मूला का बिल्कुल भी यूज नहीं करेंगे आप लोग, बिना फार्मूला का लगाएंगे। देखेगा इस तरह जादू दे दिया जाएगा आपको, जादू की पुड़िया, कि आप लोग बिल्कुल खाएंगे और मगन हो जाएंगे। तो चलिए हम लोग मगन होते हैं, स्टार्ट कर लेते हैं क्लास। प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट का मतलब होता है फायदा, लॉस का मतलब होता है हानि। लॉस का मतलब हानि हो गया, हानि। और प्रॉफिट का मतलब होता है लाभ, लाभ होता है, यही तो होता है प्रॉफिट एंड लॉस। इसके पहले हमको समझने की दो चीज़ें जरूरत है, सेलिंग प्राइस और कास्ट प्राइस और मार्क प्राइस। तीन चीज़ हमने क्या क्या बताया। कास्ट प्राइस पहले देख लीजिए, कास्ट प्राइस क्या होता है। हमें इससे बिल्कुल एतराज़ नहीं है कि बहुत सारे बच्चे इससे, उनकी समझ होगी बहुत सारे बच्चों को, ये सारी चीज़ें समझ रहे होंगे, लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो बिल्कुल बेसिक से पढ़ना चाहते हैं किसी भी चीज़ को। तो बेसिक से ही पहले हमको पढ़ाना दीजिए आप लोग, इसके बाद तो हम लोग हार्ड लेवल तक चलेंगे। बिल्कुल संशय नहीं है, आप लोग समझते रहिए, अन्यथा आप लोग वीडियो को थोड़ा सा फ्लो में करके देख सकते हैं। कास्ट प्राइस, कास्ट प्राइस का मतलब होता है सीपी, इसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में सीपी बोलते हैं, कास्ट प्राइस कहते हैं सीपी, या फिर इसे क्रय मूल्य कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं? क्रय मूल्य कहते हैं। क्या होता है क्रय मूल्य दोस्तों? क्रय मूल्य क्या होता है? जैसे कि हम लोग परसेंटेज में हमेशा 100% मानते थे किसी भी चीज़ को, किसी भी वस्तु को 100% माना जाता था, उसी प्रकार सेम यहाँ पर भी कास्ट प्राइस हमेशा, अगर कुछ नहीं दिया है तो हम उसे 100 मानकर ही चलते हैं, 100 मानकर ही चला जाता है कास्ट प्राइस को। जिस प्राइस पर आप कोई चीज़ खरीदते हो बेचने के लिए, जैसे आप मान लीजिए बहुत बड़े विक्रेता हो, तो आप कोई चीज़ लाओगे अपने दुकान में, माल को मतलब भरोगे पूरा अच्छे तरीके से, माल आपकी दुकान में रहेगा, सारी चीज़ें रहेंगी, तभी तो जो खरीदने वाला होगा वो खरीद पाएगा। जैसे हमारे पास, तो मान लीजिए हमारे पास बर्तन के दुकान है, बर्तन के जो स्टील स्पॉट होते हैं, सारी चीज़ें हमारी दुकान में बेची जाती हैं, हर एक चीज़ बेची जाती है, बड़े से बड़े लेकर छोटे से छोटे सामान बेची जाती है। अब हमें पता है कि हमारी दुकान में सारी चीज़ें हैं, लेकिन एक ग्राहक आया, कस्टमर आया, हमसे मांगा, भैया एक दिया दिखा दीजिए, दिया जो आती है जिसमें कि हम लोग भगवान को दिया दिखाते हैं, वो दिया दिखा दीजिए। अब हमारे पास है ही नहीं, तो हमारे पास स्टॉक में क्या है, कमी है हमारे स्टॉक में, हमारे पास स्टॉक नहीं है उसकी, मतलब कि हमको बहुत ज़रूरत है स्टॉक, क्योंकि कस्टमर उसी के लिए, उसी का डिमांड करते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, उस चीज़ को लाएंगे। अब जहाँ से हम लोग उठा रहे हैं माल, वो हमारे लिए क्या होगा, सीपी होगा, मतलब कि जो चीज़ हम खरीदते हैं बेचने के लिए वो हमारे लिए सीपी होगा। इस चीज़ को कॉन्सेप्ट रखेगा, और हमेशा सीपी 100 माना जाता है। क्यों? हमने बताया जिस प्रकार से परसेंटेज को 100% मान के चला जाता है, उसी प्रकार से सीपी अगर नहीं दिया होता है तो हमेशा और हमेशा, दिया हो या फिर न दिया, मान लीजिए दिया भी है तो इस कदर कुछ दिया है कि पॉइंट में दिया, हम उसे ब्रेक नहीं कर पाएंगे, तो हम उसे 100 मान के लगाएंगे। आप लोग देखिएगा और बेहतरीन तरीके से आप लोग सॉल्व करेंगे मैथ को, मैथ हलवा हो जाएगा आप लोग के लिए। तो ये हो गया सीपी, क्रय मूल्य समझ गए। अब एक चीज़ और समझिएगा, सेलिंग प्राइस का मतलब हो गया दोस्तों एसपी, यानी कि विक्रय मूल्य। इस पर दो न्यूमेरिकल भी लगवाएंगे, आप लोग घबराइए मत, न्यूमेरिकल करवाएंगे इस पर दो तीन आज, फिर इसके बाद आज समझ बनाएंगे, आज दो तीन न्यूमेरिकल भी करवाएंगे, इसके बाद कल से धुआंधार बारिश शुरू होगा। दोस्तों क्या होता है सेलिंग प्राइस, जैसे हमने बोला हमारे पास स्टॉक की कमी थी, हमने स्टॉक में सारी चीज़ें अपना ले लिया, स्टॉक में अब हमारे पास सारी चीज़ें हैं। अब कोई भी कस्टमर आएगा हमारे पास, हमसे कहेगा भैया यह चीज़ चाहिए, बड़ा सा हमको ड्रम चाहिए, तो हम कहेंगे भैया ड्रम तो है ही हमारे पास, ले जाओ। तो जो चीज़ें हमने लाया है वहाँ से, वो तो हमारा सीपी होगा। मान लीजिए 100 रुपये में हमने ड्रम लेकर आया है, अब 100 रुपये में क्या उसे दे देंगे? अरे हमारे पास
100 रुपये में कैसे उसे दे देंगे भाई, हम तो खाने अपने पेट के लिए तो दुकान खोले हुए हैं, अब दुकान खोले हैं जब पेट के लिए 100 में लाएंगे 100 में दे देंगे तो हमारा ही नुकसान होगा ना। मान लीजिए हमारा नुकसान नहीं भी होता है, हम 100 में उसे दे दिए, हमारा नुकसान बिल्कुल नहीं हुआ, लेकिन एक चीज़ का नुकसान होगा, जो चीज़ से हमने लाया है, पैसे लगा कर भाड़े दिया हुआ है, ट्रक से लाया है या फिर गाड़ी से, बड़े बड़े गाड़ियों से लाया, तो फ्री में थोड़े आया है, उसका चार्ज लगा है ना, टैक्स हमने दिया है उस पर, और तब जाके हमने उसको यहाँ पे दुकान में लाया। अब उस टैक्स को भी ऐड करेंगे उसमें, उसमें सर्विस, जैसे आपने गाड़ी खरीदा तो गाड़ी की, मान लीजिए आपने पुरानी गाड़ी खरीदी 1 लाख रुपए की, और उसमें मरम्मत की आपने कितने खर्च लगा दिए, 200 रुपए लगा दिए, अब एक मतलब 2 लाख रुपए मान लीजिए लगा दिए, 1 लाख की गाड़ी 2 लाख रुपए का तेल, मतलब होता है ना जितने रुपए का मुर्गा नहीं उतने रुपए का मसाला, इस प्रकार से आपने करा, मतलब 3 लाख रुपए आपका पूरा खर्च आया। लेकिन अगर वही नई गाड़ी खरीदते तो 6 लाख लगता, तो 3 लाख में ही आपने काम चला लिया, 3 लाख में आपने कार को बिल्कुल मरम्मत करा लिया। अब आपके दिमाग में आया हमको नई कार लेनी चाहिए, तो आपने जो मरम्मत कराया है, सर्विसिंग कराया है और जितने में परचेज किया है पुरानी गाड़ी, मिलाकर 3 लाख रुपए आपके लिए सीपी हो गया। अब उसको आपने सेल करना है, आपको उसे सेल करना है, तो आप जब उसे सेल करेंगे तो आपके लिए एसपी होगा। लेकिन जो खरीदा है, अगर वो भी बेचने के मूड से खरीदा है तो उसके लिए सीपी हो जाएगा। अब वो बेचेगा तो जिसको बेचेगा उसके लिए एसपी होगा। ये चीज़ दिमाग में थोड़ा सा बैठा लीजिए अपने, तो ये चीज़ दिमाग में सेट कर लीजिए, जो चीज़ खरीदा हमने वो सीपी, अब जिस रेट पे बेचेंगे, जिस मूल्य पर बेचेंगे वह मूल्य हमारे लिए, जिसने खरीदा है और उसी ने बेचा है तो बेचने वाला मूल्य एसपी, यानी कि विक्रय मूल्य, विक्रय मतलब बेचने वाला, विक्रय का मतलब होता है मूल्य, विक्रय मूल्य जो हमारे दुकान से बाहर जा रहा है वो विक्रय, मतलब बिकने के लिए जा रहा है, तो विक्रय मूल्य मतलब वो बेच दिया गया। इसके बाद जो क्रय है, जो हमने खरीदा है वो क्या होगा दोस्तों, क्रय मूल्य होगा जो हमने खरीदा हुआ है। तो इस तरह विक्रय हो गया, क्रय हो गया, ठीक है। अब एक बहुत ही अहम मुद्दा है मार्क प्राइस, एमपी, मार्क प्राइस, ईएमपी। मार्क प्राइस का मतलब होता है दोस्तों, आपको सुना, आपने सुने होंगे लेबल लगा हुआ, जैसे आप कभी मान लीजिए कोई चीज़ खरीदने जाते हैं, बिस्किट का पैकेट वगैरह, तो आप सबसे पहले मार्क प्राइस ही देखते हैं कि देखिए कितना, आखिर अंकल जी ने कितने रुपए का हमें दिया। मान लीजिए अंकल आपको 6 रुपए का बिस्किट दिया और उन्होंने, आपको नहीं पता है आपने वो बिस्किट 5-5 रुपए का ही खरीदते रहे हैं और आपको अंकल उस दिन 6 रुपए दे दिए, लॉकडाउन लगा है भैया, लेकिन अब को आप, आपकी क्या है, आपको खरीदना ही पड़ेगा। आपकी क्या है दोस्तों, मतलब आप इतने ज़्यादा, अब आपको बिस्किट खानी है, भूख लगी है और आप खरीदेंगे ही उसे, खरीदेंगे आप नहीं खरीदेंगे इस पर नहीं जाना है आपको, सिर्फ आप जो उसमें पैकेट है उस पैकेट पे जब आप देखेंगे लेबल पर तो लिखा होगा 6 रुपए, अभी तक तो आप 5 रुपए का खरीद रहे थे, अब 6 रुपए कैसे हो गया, क्योंकि उस पर मार्क प्राइस 6 रुपए है ही। अभी तक अंकल के पास घाटा नहीं था, अंकल घाटा में नहीं जा रहे थे, ये अंकल 5 रुपए में दे रहे थे, अंकल भले 3-4 रुपए में ला रहे हों, अब वो 5 रुपए में दे रहे थे, लेकिन उस पर मार्क प्राइस था 6 रुपए, अब अंकल आपको 6 रुपए में दे रहे हैं, तो जो 6 रुपए में आपको मिल रहा है वो आपका मार्क प्राइस होगा, और जितने के आप खरीद लिए आपके लिए, मतलब वो अंकल मार्क प्राइस के हिसाब से आपको सेलिंग प्राइस में बेचा 6 रुपए में, मार्क प्राइस ही लगा दिया उन्होंने सेलिंग प्राइस के ऊपर रेट, मतलब जो उनका मार्क प्राइस है वही आपके लिए, सॉरी वही उनके लिए सेलिंग प्राइस हो गया, जो बिस्किट का पैकेट का मार्क प्राइस है, मार्किंग है, वही उनके लिए सेलिंग प्राइस का काम कर गया, वो भले 3-2 रुपए में लाए हों लेकिन आपको 6 रुपए में दे दिए। तो याद रखेंगे कभी काल के मार्क प्राइस सेलिंग प्राइस के बराबर हो जाता है, मार्क प्राइस से अगर सेलिंग प्राइस पे जाते हैं तो छूट कहलाता है, छूट कहलाता है, लेकिन अगर सीपी से हम एसपी पे जाते हैं तो लाभ कहलाता है या फिर हानि कहलाता है। सीपी से एसपी पर आने में, जैसे हमने 100 रुपए का सामान लिया, 100 रुपए का सामान लिया और हमने इसे 150 रुपए में बेच दिया, तो 50 रुपए क्या हमारे लिए प्रॉफिट है, तो यह हमेशा सीपी से एसपी, सीपी से एसपी के जाने में ही लाभ और हानि होता है। मार्क प्राइस से अगर हम एसपी पे जा रहे हैं, सेलिंग प्राइस पे जा रहे हैं, तो यह हमारे लिए छूट होगा, क्या होगा, छूट होगा, छूट दर जिसे बोलेंगे, छूट कितने रुपए का छूट, जैसे बोला हमने 100 रुपए मार्क है, हमने 80 रुपए में ले लिया तो कितने रुपए का छूट मिला बताइए भाई, 20 रुपए का छूट मिला ना, अगर देखें ये परसेंटेज में छूट कितना मिला, तो आप कहेंगे सर 100 रुपए बटे 20 रुपए का छूट मिला, 20 रुपए बटे 100 रुपए, तो 20% का क्या मिला, छूट मिला हमें, 20% का छूट मिला। यह चीज़ समझिए, सीपी समझ गए, एसपी समझ गए, मार्क प्राइस समझ गए, अब आते हैं हम लोग किस पे, प्रॉफिट पर, प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट, प्रॉफिट यानी कि लाभ, और एक है लॉस, लॉस मतलब हानि, यह क्या है, एक दो चीज़ और हैं,
प्रॉफिट परसेंटेज यानी कि लाभ का परसेंटेज और एक लॉस मतलब कि लॉस परसेंटेज यानी कि हानि का परसेंटेज, यह क्या होता है ध्यान सुनिए। जैसे हम कोई चीज़ 100 रुपये में लाए और 120 में बेच दिए तो 20 रुपये का प्रॉफिट हुआ। कैसे आया 20 रुपये, कैसे आया 20 रुपये? तो आपने कहा सर आपने तो खरीदा सीपी जो है उसका 100 रुपये और आपने खरीदा मतलब उन्होंने बेचा जो है 120 रुपये में, तो 120 जो ज़्यादा होगा एसपी हमने क्या लाभ कमाया है ना। तो लाभ हमेशा और हमेशा याद रखिएगा दोस्तों, ये थ्योरेटिकल प्रश्न भी आपके यूपी टेट में बना है कि लाभ बराबर क्या होता है सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, क्या होगा लाभ ही तो होगा। विक्रय मूल्य मतलब ज़्यादा वाला प्राइस, क्रय मूल्य मतलब कम वाला प्राइस। तो ये आपके यूपी टेट में दोस्तों थ्योरेटिकल प्रश्न भी बना है, सी टेट में बना है और सुपर टेट में भी बना है, यह चीज़ आप नोट करेंगे। तो 120 माइनस 100 करेंगे 20 रुपये आएगा और यही हमारा क्या है प्रॉफिट है। प्रॉफिट परसेंटेज नहीं है, प्रॉफिट है, प्रॉफिट परसेंटेज अभी नहीं है, ध्यान सुनिएगा। अगर इसी जगह हम 100 रुपये तो है लेकिन हमारा हो सकता है माल भैया पुराना हो, बिक नहीं रहा है, ज़्यादा दिन की सब्जी है, देखते हैं ना कि जब कोई चीज़ बिकती नहीं है पुरानी हो जाती है, रखी पड़ी 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 रखी रह जाती है, तो उसको निकालने के लिए कस्टमर को सॉरी जो मतलब कस्टमर को देने के लिए उस पर थोड़ी सी कूड़ा गणित किया जाता है, उसका पॉलिश चेंज किया जाता है और उसका मान लीजिए उसका जो लेबल जिस पे वो पैक है उसमें चेंज किया जाता है, किसके दुकानदार द्वारा चेंज किया जाता है और क्या। चेंज करने के बाद उसको अच्छे से झाड़ पोछ दिया जाता है कि भैया अब वो नया लगने लगे, अब वो नया तो है नहीं रियल में लेकिन नया लगने लगता है, अब वो हमको बेचना है 120 रुपये में और उसका दाम भी 120 रुपये में बोलेंगे, लेकिन हो सकता है जो लेने वाला है कस्टमर उसको लग जाए शंका हो जाए भैया तो पुराना लग रहा है हम 80 रुपये देंगे। अब जो दे रहा है दुकानदार अब उसको लगेगा अब इसको निकालना ही उचित होगा, भैया 80 रुपये में जहाँ नहीं बेच रहा था वहाँ 80 रुपये मिल जाए, 20 रुपये घाटा ही सही, 2 साल का भैया माल है, 2 साल पहले हम लाए थे उसको 60 रुपये में हो सकता लाए थे लेकिन अब उसका माल का दाम जो है बढ़ गया तो हम उसे 80 रुपये में निकाल देते हैं, तो एसपी 80 हो गया। अब बताइए कौन ज़्यादा है कौन कम है, तो बोलेंगे सर सीपी ज़्यादा है, सीपी ज़्यादा है यानी कि सीपी माइनस एसपी, जब सीपी माइनस एसपी हो जाता है तो ये हानि होता है, सीपी माइनस एसपी बराबर हानि, हानि याद रखिएगा, हानि हमने बोला है हानि परसेंटेज नहीं, इस चीज़ को दिमाग में रखिए, यह चीज़ हो गया लाभ और हानि आपने समझ लिया। अब चलते हैं लाभ परसेंटेज हानि परसेंटेज की तरफ, ध्यान से देखिएगा। प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है, हमने प्रॉफिट निकाला, एक फॉर्मूला देखिएगा एसपी माइनस सीपी, एसपी माइनस सीपी बटे सीपी गुणे 100। ये फॉर्मूला कहीं यूज नहीं करेंगे हम न्यूमेरिकल लगाते वक्त, लेकिन आपको थोड़ा समझना है तो समझ लीजिए। हमने एसपी बताया आपको कितना 120 रुपये भैया 120 रुपये में बेचा था, सीपी कितना बताया 100 रुपये में, 100 रुपये था उसका सीपी। याद रखिएगा चाहे हानि परसेंटेज हो चाहे लाभ परसेंटेज हो हमेशा और हमेशा सीपी पर यानी कि कास्ट प्राइस पर ही तुलना किया जाता है, नीचे हमेशा कास्ट प्राइस होगा, कितना 100 रुपये था तो 100 रुपये है गुणे 100 काट दीजिए, ऊपर 20 आ गया या 100 100 से गया यानी 20% का हमको क्या मिला प्रॉफिट मिला, 20% का प्रॉफिट यानी 20 रुपये का प्रॉफिट किस पर 100 रुपये पर, ठीक है ना, आराम से करेंगे आप लोग घबराइए मत, फार्मूला कहीं नहीं यूज करने वाले हैं, एक चुटकी सा भी फार्मूला हम कहीं नहीं यूज करेंगे, इतना दिमाग में आपको रख लेना है क्योंकि फार्मूला हमको नहीं लगाना है एग्जाम में, अगर फार्मूला लगाएंगे तो सीपी माइनस एसपी जब तक लिखेंगे तब तक दूसरा बच्चा निकाल के नंबर ले जाएगा और आप देखते रहोगे जो चीज़ आप 5 मिनट में लगाओगे वह 1 मिनट में 2 मिनट में लगा के निकल लेगा, 1 मिनट 2 मिनट क्या, जो सुपर टेट सी टेट और यूपी टेट के जो प्रश्न होते हैं मैथ के वो बिल्कुल सेकंडों में लगते हैं। हम बता दें आपको रिकॉर्ड है हमारा क्या, और जो बच्चे मैथ पढ़ने वाले होते हैं 30 मैथ का पेपर होता है, मैथ 30 क्वेश्चन आते हैं लगभग 10 मिनट से लेकर 12 मिनट के अंदर हमने लगाया उसे 30 प्रश्न को बेहतरीन तरीके से लगाया दोस्तों। कितने प्रश्न ऐसे होते हैं मतलब 10-12 प्रश्न तो ऐसे थे जिसको देखकर आंसर बताया जा सकता था, सिर्फ प्रश्न को देखिए आंसर बताइए, अरे अब आपको 0.5 × 0.3 / 0.8 करने नहीं आएगा, बताइए ये करने नहीं आएगा, यही दिया था। और प्रॉफिट एंड लॉस से 2-3 प्रश्न थे, परसेंटेज से 2-3 प्रश्न थे, हमने सीरीज कराया हुआ है आप देख लेंगे यूपी टेट का 2019 वाला पेपर हमने कराया है, मैथ का नहीं सारे सब्जेक्ट का कराया है, 1 घंटे का पूरा हमने, जो आपका 2.5 घंटे का पेपर होता है 2.5 घंटे 3 घंटे कितने का होता है 2.5 घंटे का होता है, 2.5 घंटे का पेपर होता है और 150 प्रश्न होते हैं, कितने प्रश्न होते हैं 150 होते हैं, 150 प्रश्न को हमने 1 घंटे में किया है दोस्तों, आप लोग देखेंगे सारा कराया गया, बल्कि उसमें उर्दू भी शामिल किए हैं, पेपर आके आप देख लेंगे प्लेलिस्ट में है, प्लेलिस्ट में आएंगे और आप यूपी टेट उसमें लिखा होगा यूपी टेट 2019
है ना, करंट हेवन के नीचे लिखा होगा, इस प्रकार से आप देख सकते हैं पूरा पेपर। अब अगर हानि परसेंट निकालना होगा दोस्तों तो क्या होगा, हानि परसेंटेज कैसे निकलेगा सर, जैसे लाभ हो रहा था 20 का, अब उस प्रकार से यहाँ पे देखिए सीपी 100 है और एसपी 80 है, कितने का हानि हुआ 100 माइनस 80। अब हम क्यों 100 माइनस 80 किए, 80 माइनस 100 भी तो कर सकते थे जी, 80 माइनस 100 भी सही है आपका, 80 माइनस 100 बटे सीपी कितना है 100 है गुणे 100, 100 से 100 गया, 80 माइनस 100 कितना होगा माइनस 20, माइनस 20 परसेंटेज। अभी जो माइनस है ना यही हमको लॉस बताता है, क्या बता रहा है लॉस परसेंटेज बता रहा है दोस्तों माइनस, इस वजह से हम माइनस ना लाने के चक्कर में बड़े से छोटा को माइनस करते हैं, माइनस आए या फिर ना आए माइनस का कोई मतलब नहीं है, माइनस आता है इसका मतलब लॉस हो रहा है, माइनस नहीं आता इसका मतलब प्रॉफिट होता है। बस आप हमेशा याद रखेंगे यह वाला फार्मूला आपको हमेशा याद रखना है अगर फार्मूलेस लगाना है तो, ठीक है। यह तो रहा मोटी मोटी छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी कुछ मोटी बातें थी। अब हम चलते हैं दो प्रश्न लगाते हैं, बेहतरीन दो प्रश्न, तो आप लोग ध्यान से बने रहिए, हम दो प्रश्न लगाते हैं और प्रश्न लिखते हैं बोर्ड पे। यह दोस्तों पिछला क्लास आप लोग सारा देख लेंगे और देखने के बाद ही आप निर्णय लेंगे। हाँ दोस्तों, पहला प्रश्न देखेंगे आप इस पे आधारित है या दूसरा प्रश्न भी इसी पे आधारित है दोस्तों। ये दो प्रश्न आपके दिमाग की बत्ती खोल देंगे क्योंकि हम बिल्कुल भी इसमें फार्मूला नहीं यूज करने वाले हैं, इससे इसकी तरह के ही प्रश्न आते हैं आपके एग्जाम में, सेम ऐसे ही प्रश्न आएंगे और बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। जब भी एग्जाम में बैठे दिमाग की बत्ती पूरा खोल के बैठे कि हम करंट हेवन के चैनल से पढ़ के आए हैं, इससे बाहर सर ने बोला नहीं आएगा तो नहीं आएगा, इसको गांठ बना के जाइएगा दोस्तों। और इसमें बहुत ज़्यादा प्रश्न करने वाले हैं, आज तो हमने बेसिक देखा, अभी बहुत ज़्यादा प्रश्न आने वाले हैं। आज दो देखिए तो, यदि एक वस्तु का क्रय मूल्य, जो क्रय मूल्य है वो कितना है 80 रुपये है तथा ऊपरी व्यय 20 रुपये है, अब बताइए वो क्रय मूल्य उसका 80 रुपये है और ऊपरी मूल्य, मतलब वो होता है ना जब कोई भी आप पुलिस अफसर हो तो देखते हैं ना कि उसका ऊपरी कमाई भी कुछ होता है, तो अगर ऊपरी कमाई को ऐड कर लेते हैं तो उसका टोटल रुपये कितना आ जाएगा, कमाई का 100 रुपये आ जाएगा, टोटल कमाई उसकी 100 रुपये, यानी कि सीपी 100 रुपये। वस्तु का विक्रय मूल्य 120 रुपये है, अब विक्रय मूल्य यानी कि एसपी जो है कितना 120 रुपये है। अब आपको यह सब नहीं लिखना है, प्रतिशत लाभ बताना है, सीपी माइनस एसपी या फिर एसपी माइनस सीपी होगा, यही तो होगा प्रतिशत लाभ या फिर प्रतिशत हानि, क्या होगा प्रतिशत लाभ, मतलब कि हमारा एसपी ज़्यादा है, सेलिंग प्राइस ज़्यादा है तो सेलिंग प्राइस माइनस सीपी बटे सीपी गुणे 100। अगर हानि हो रहा है तो हानि का मतलब क्या हो रहा है दोस्तों, हमारा सीपी ज़्यादा है तो सीपी माइनस एसपी बटे 100 करेंगे, दोनों में से को जो बड़ा होगा उसमें से उसको माइनस बटे सीपी, यह चीज़ दिमाग में रख लीजिए, चाहे प्रॉफिट पूछे चाहे लॉस पूछे। अब यह चीज़ हमको नहीं करना है, यह लिखने वाला काम नहीं करना है, सिर्फ हमको करना है 80 प्लस 20 100, 100 हमारा होगा। अब हमको 120 रुपये में बेच रहे हैं तो 120 माइनस 100 बटे क्या हमारा सीपी है 100 है, 100 गुणे 100 परसेंटेज निकालना है तो 100 लाभ क्या होगा, अगर पूछा तो लाभ क्या होगा तो 120 माइनस 100 20 रुपये का लाभ होगा, अगर पूछता है प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा तो 100 से 100 गया 120 माइनस 20 यानी कि 20% होगा, ये चीज़ याद रखेंगे। यहाँ पे बराबर दिख रहा है ना, लेकिन हमेशा बराबर थोड़े आता है। चलिए दूसरे प्रश्न की तरफ, एक व्यक्ति ने 1200 रुपये में एक पुरानी मशीन खरीदी, भैया पुरानी मशीन है तो उसको मरम्मत भी तो करवाएगा, सर्विसिंग करवाएगा, जैसे हमने गाड़ी का एग्जाम्पल लिया था, सेम 200 रुपये में उन्होंने मरम्मत करवाई मतलब मशीन को सही करवाया, तो 1200 प्लस 200 कितने रुपये सीपी हो गए, 1400 हो गया सीपी उसका, कितने रुपये में बेचा 1680 में बेचा, 1680 में बेचा तो दिमाग में तुरंत आना चाहिए 1400 से कितना ज़्यादा है 280 ज़्यादा है, 280 ज़्यादा है तो कितने पे ज़्यादा है 1400 से ज़्यादा है गुणे 100, 2020 से गया 1428 मात्र 20% उसका लाभ होगा, इस तरह से लगना चाहिए, इतने स्पीड से। वो स्पीड आपका तब आएगा जब आप प्रैक्टिस करोगे। वैसे ये सब इजी प्रश्न है, हलवा प्रश्न है, इन सब तो सभी बच्चों को आता होगा ये सारे प्रश्न, और ऐसे बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न लाने वाले हैं, आप बिल्कुल मत घबराइए। और सीधे चीज सीधी बात एक है कि आप लोग सारा का सारा क्लास देखिए, चाहे वो ज्योग्राफी का हो, चाहे हिंदी का हो, चाहे वो करंट अफेयर जीके का हो, और चाहे वो मैथ का ही क्यों ना हो, सीडीपी के लिए और ईवीएस के लिए आप चिंता मत करिए, समय पर ख़त्म होगा। अभी मैम थोड़ी सी बिजी हैं कुछ काम में, लेकिन बहुत जल्द ही मैम स्टार्ट करेंगे सारी क्लास, आप बिल्कुल चिंता ना करें, अन्यथा देर हो जाएगी। ठीक है, दिसंबर बहुत दूर नहीं है, दिसंबर अक्टूबर वगैरह में आपका सीटेट का पेपर है, तो दिसंबर में आपका यूपी टेट का पेपर है, और आपका यूपी ट्रिपल एससी का जो एग्ज़ाम है वो तो होगा ही, अगस्त में ही होगा, तो आप लोग बिल्कुल सतर्क रहें, तैयार हो जाएं, कमर कस लें और जो भी एग्ज़ाम दें बिल्कुल फोड़ के आएंगे।
ज्योग्राफी का सेशन अगर आप नहीं देख रहे हैं तो देखिए, आप लोग से एक विनती है सिर्फ, आप लोग सारे क्लासेस बिल्कुल फ्री में पा रहे हैं, हम एक भी चार्ज नहीं लेते हैं दोस्तों आपसे, ना ही लेंगे कभी। आप लोग से सिर्फ एक ही उम्मीद रहती है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने हमारे गुरु दक्षिणा के रूप में बस बच्चों को ऐड करें दोस्तों, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। ठीक है, धन्यवाद।